So hello, hi, namaskar, namaste, assalamu guys. This is Prabhat and you are watching my YouTube channel guys. And good morning from Kalimpong. हम लोग ठहर रहे हैं मॉर्गन हाउस पे जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है कलिंगपोंग में. एंड आपको थोड़ा रूम टूर दे देता हूँ. सो इधर से रूम शुरू होती है दरवाज़ा खोलते ही और इस तरह की से कुछ आवाज़ होती है. इधर ये है ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड टेबल एंड टेबल एंड दो चेयर, एक टीवी और ये है क्वीन साइज बेड जो कि काफ़ी मेसी है अभी. एंड ये है मिर्ची. आपको वॉशरूम में कुछ इस तरह की चीज़ मिल सकता है. टूथब्रश है इसमें, आप देख सकते हो कुछ लिखा है, सॉरी बंगाल WBTDC मतलब वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रिसोर्ट है सो इसलिए सब जगह WBTDC लिखा है. सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है ये सब. एंड दैट्स इट. एंड आपको रूम से नज़ारा दिखाता हूँ आपको. सो रूम से कुछ इस तरह के से नज़ारा हमको देखने को मिलती है यहाँ से. हाँ सो आज पूरा क्लाउड है, नहीं तो कंचनजंगा की भी व्यू मिलती. एंड नाउ अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा आपको. ये है लिटिल टेरिस कह सकते हैं हम. और ये देखो ये है मॉर्गन हाउस. सो काफ़ी अच्छा प्लेस है और ये टेरिस देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ से हम ड्रोन का थोड़ा सैर करा सकते हैं बबुआ. व्हाट्सअप तो कुछ इस तरीके की चीज़ ब्रेकफास्ट में मिलती है यहाँ पे. एंड काफ़ी टेस्टी लग रहा है देखने में. ऑमलेट, टोस्ट एंड ये क्या है, बटर. एंड ये बटर तो थोड़ा मतलब ऐसे पीस किया है कि समझ भी नहीं आ रही क्या है. एंड गाइस ब्रेकफास्ट हो गया एंड इसके बाद हम लोग निकले हैं थोड़ा प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने. सो ये है प्रॉपर्टी गाइस, ये जो बिल्डिंग है जहाँ पर हम लोग ठहर रहे हैं. एंड इसके पीछे थोड़ा सा गार्डन है और उधर है गोल्फ कोर्स. आर्मी गोल्फ कोर्स से दिखने में आपको हंटेड लग सकता है लेकिन है नहीं, बिल्कुल नहीं है. हम लोग तो लास्ट नाइट बहुत आराम से सोए, नींद भी अच्छी आई, बहुत बेहतरीन नींद आई इधर. ये जो डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी पसंद आई, देख रहे हैं आप. काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है, काफ़ी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है. क्यों अनाप शनाप बोलते हैं इसके बारे में पता नहीं. सो गाइस जितना भी हो सके हमने ड्रोन उड़ाया क्योंकि आपने तो सुना ही है आर्मी एरिया है पूरा. एंड इधर हम ज़्यादा उड़ा नहीं सकते. प्रॉपर्टी वालों ने बोले कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी में उड़ाइए, बाहर मत उड़ाइए क्योंकि आर्मी लोग कभी भी आ सकते हैं इधर, ड्रोन अलाउ नहीं है. सो बस प्रॉपर्टी में उड़ाए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना. सो एक हम दूरबीन मॉनेस्ट्री में आए हैं अभी एंड इसका एंट्री ढूंढ नहीं पा रहे हैं. अंदर से गेट से ओए गेट के अंदर. My heart rages around like an ocean in my head because there are
गाइस हम लोगों का मोनेस्ट्री तो हो गया दर्शन, एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे डेलो पार्क, एंड शायद सेवेंथ माइल करके एक जगह है जो कि हमको गूगल मैप्स में दिखा रहा है कि व्यू पॉइंट है, बट कालिंपोंग में गूगल में जिधर भी लिख लो बेस्ट अट्रैक्शन क्या है, बेस्ट अट्रैक्शन क्या है, सेवेंथ माइल का नाम कभी भी नहीं आता है। सो देखते हैं, अगर टाइम हो पाए तो उधर भी जाएंगे, अभी तो जाएंगे डेलो पार्क। सो मिलते हैं डेलो पार्क। गाइस हम लोग अभी हैं इधर सेवन माइल वीपी, मतलब सेवन माइल व्यू पॉइंट, बट इधर का हालत काफ़ी नाजुक है जिसके लिए हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, एंड बेकार आना हो गया है इधर, पूरा बेकार। ये देखिए ये लोकेशन, ये व्यू पॉइंट है बट पूरा क्लाउड, पूरा क्लाउड, पूरा क्लाउड, सिर्फ मतलब ये पेड़ ही दिख रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहे हैं। सो सिर्फ पेड़ देखने आए हैं हम, बाकी कुछ नहीं देख पाए। सो अभी क्या करें, इधर छोड़ जाते हैं, अभी डेलो पार्क की तरफ जाते हैं। अगर टाइम हुआ तो हम अभी उस जगह का नाम है लाभा, लाभा तक जा सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग कालिंपोंग के ट्रैफिक में फंसे हैं, बहुत खतरनाक ट्रैफिक है, आप लोग देख सकते हैं इधर कैसे पार्किंग किया हुआ है गाड़ी। शायद हम गलत रास्ते में घुस गए हैं, गए उधर से कोई जाने का रास्ता था शायद। फाइनली कुछ अच्छी जगह मिलेगी शायद, हम लोग हैं अभी डेलो पार्क में, एंड इधर पैराग्लाइडिंग बहुत होती है, वो देखो कुछ टेस्टिंग चल रही है अभी। गाइस यहाँ का तो हो गया, अभी खाने का भी कुछ नहीं मिला इधर। सो हम जा रहे हैं, देखते हैं रास्ते में कुछ मिलता है कि नहीं। हाँ इधर पानीपुरी भी खाया, पूरा कोलकाता जैसा ही है, मतलब दार्जिलिंग से बेटर है। फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल गई, डेलो से नीचे उतरते वक्त ही मिल गई, लोकेशन काफ़ी अच्छा है रेस्टोरेंट का, देखते हैं खाना कैसा है और बताते हैं खाना कैसे है यहाँ का। हमने तो चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया, तो एक चिली चिकन ऑर्डर किया एंड एक मिनरल वाटर, ये भी बोलना पड़ता है। हाँ फ्राइड राइस तो अभी वेट कर रहे हैं चिली चिकन का, आते ही शुरू कर देंगे, गर्म है। अगेन आई डोंट नो गाइस, चिल्ड हो गया है पूरा, सो अभी पेट से धुआं निकल रहा है। खाना अच्छा था और लगा था वेदर। सो अभी और क्या दिखाना, पूरा इधर तो चार बज गया, चार बजने से सूरज भी और कहीं दिख नहीं रहा है। सो अभी क्या ठंड भी बढ़ रहा है, हम चलते हैं, मिलते हैं होटल में। एंड गाइस आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा, मैं बहुत लो साउंड करूंगा अभी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है एंड कल सुबह भी निकलना है, सो जल्दी सोना है। सो गाइस वीडियो अगर पूरा देख लिया एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा आपको वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे। सो गाइज तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।